सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख के आसपास पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। जी हाँ दोस्तों, कैसे ये बढ़ोतरी होगी इसके लिए आप देखते रहिए हमारा ये वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर इस वीडियो को शेयर करें और नया वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि आपकी सैलरी और पेंशन कैसे बढ़ेगी, वो ऐसे बढ़ेगी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो महंगाई भत्ता मिलना है उसकी बेस ईयर को बदलने जा रही है। अब से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को जो मिलने वाला महंगाई भत्ता है उसके कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर 2001 था और उसके बाद में महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो सरकार ने अब ये डिसीजन लिया है कि जो महंगाई भत्ता या फिर जो महंगाई कैलकुलेट करने का बेस ईयर है या फिर इंडेक्स ईयर है उसको 2001 से बदलकर 2018 किया जाएगा। तो क्योंकि पिछले 18 साल में महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाला जो महंगाई भत्ता है वो उतना नहीं बढ़ा है। तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने का बेस ईयर है उसको बढ़ा दिया है। तो जिसका फ़ायदा ये होगा कि सीधा सीधा सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनों को महंगाई भत्ता जो मिलता है वो बढ़ जाएगा। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर से बढ़ोतरी किए जाने की संभावना है। दरअसल सरकार डीए कैलकुलेट करने वाले इंडेक्स और आधार वर्ष में कुछ बदलाव करने की तैयारी में। श्रम मंत्रालय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स CPI IW पर काम कर रही है और देश में डीए सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भुगतान समायोजन भत्ता की लागत है। तो इसका फायदा सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इकोनॉमिक्स टाइम को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि श्रम मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो ने आदर्श वर्ष 2016 के साथ नए CPI IW को अंतिम रूप दे दिया है और प्रस्ताव में कहा गया है कि आधार को हर छः माह में एक बार संशोधित किया जाए ताकि कॉस्ट ऑफ लिविंग में होने वाले बदलावों से कदम ताल मिला जा सके। मौजूदा समय में CPI IW वो करीब 18 साल पुराना है और ये अब भी साल 2001 में आधार वर्ष के रूप में है। तो इस कदम से करीब 1,10,00,000 कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधे तौर पर लाभ होगा, क्योंकि अंतिम बार आधार वर्ष में छठे वेतन आयोग के दौरान 2006 में संशोधन किया था और उस दौरान आधार वर्ष को 1882 से बदलकर 2001 किया गया था। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर बदलाव हो जाएगा, क्योंकि महंगाई भत्ता तय करने की जो बेस ईयर है वो 2001 से बदलकर 2016 यहाँ पर की जाएगी। सॉरी, हम आपको 2018 बताया था, लेकिन 2016 की जाएगी जब से सातवां वेतन आयोग लागू है तब से। तो इसका फायदा सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को होने जा रहा है। सरकार ने एक तरफ न्यूनतम सैलरी में और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से मना कर दिया है, यानी साफ मना नहीं किया लेकिन एक ढुलमुल रवैया अपनाया हुआ है कि उसमें बदलाव होगा नहीं होगा, लेकिन महंगाई भत्ते का जो इंडेक्स ईयर है उसमें बदलाव जरूर होगा, क्योंकि ये लगभग 18 साल पुराना हो चुका है और इसका फ़ायदा सभी कर्मचारियों को मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक अच्छी खबर आप सभी के लिए आई है कि आपका महंगाई भत्ता अब ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सातवां वेतन लागू होने के बाद में 1% और 2% ही महंगाई भत्ता बढ़ता है, लेकिन जो महंगाई है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार अब ये ज़रूर करेगी कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को ज़्यादा महंगाई भत्ता दिया जाए, जिससे समय के अनुसार वो अपनी महंगाई भत्ते की क्षतिपूर्ति कर पाएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों साथ में जरूर शेयर करें जिससे उन्हें भी इसके बारे में मालूम चल सके और सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।